अकलमंद परिंदा। किसी गांव में एक शिकारी रहता था और वो रोज शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि शिकारी जब शिकार करने जंगल की तरफ गया तो उसे आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब चिड़िया उड़ती नजर आई। चिड़िया को देखते ही शिकारी के मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि अगर किसी तरह ये नायाब चिड़िया मेरे हाथ लग जाए तो इसे बाजार में महंगे दामों बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। ये सोचते ही शिकारी ने बड़ी चालाकी और होशियारी से शिकार के लिए जब अपना जाल बिछाया तो उसमें वो खूबसूरत चिड़िया फंस गई। चिड़िया को जाल में देखकर शिकारी अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुआ और दिल ही दिल में इस चिड़िया को फरोख्त करने के मंसूबे बनाने लगा। चिड़िया जाल से बाहर निकलने के लिए खूब फड़फड़ाने लगी, लेकिन जब चिड़िया की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं और उसे जाल से आजाद होने की कोई सूरत नजर ना आई तो उसने मायूस होने की बजाय बड़े इत्मीनान से शिकारी की तरफ देखा और कहने लगी, अकलमंद और भले इंसान, जरा मेरी बात तो सुनो। मुझ जैसी छोटी और नन्ही सी चिड़िया को पकड़ कर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर तुम मुझे जिब्बा भी करते हो तो मेरे थोड़े से गोश्त और किंती की चंद नरम और नाजुक हड्डियों से तुम्हारा क्या बनेगा। और अगर तुम मुझे बाजार में फरोख्त भी करते हो तो तुम्हें कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन तुम मेरी बात मानो और तुम मुझे इस कैद से आजाद कर दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 3 ऐसी कीमती और अनमोल नसीहतें करूंगी जो हमेशा तुम्हारे काम आएंगी। इनमें से पहली नसीहत मैं तुम्हारे हाथ पे बैठ के करूंगी और नसीहत ऐसी होगी जिसे सुनकर तुम्हारा खून और बढ़ जाएगा, और दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगी जो बहुत ही आला और कारामत होगी। इसके बाद तीसरी और आखिरी नसीहत दरख्त की शाख पर बैठकर करूंगी। इसलिए अब तुम्हारी अकलमंदी का यही तकाजा है कि तुम मुझे आजाद कर दो और मेरी इन तीनों नसीहतों पर अमल करके दुनिया में बड़ा नाम कमाओ। शिकारी ने चिड़िया की ये पेशकश सुनकर थोड़ी देर सोचने और गौर करने के बाद उसकी बात मानते हुए जाल की रस्सी खुद खोल दी। रस्सी खुलते ही चिड़िया उड़कर शिकारी के हाथ पर आ बैठी। पहली नसीहत करते हुए कहने लगी, किसी भी नामुमकिन बात पर कभी यकीन न करना, चाहे कोई भी कहे। ये बोलकर चिड़िया अपने वादे के मुताबिक फिर उड़ी और दीवार पर जा बैठी। वहीं से दूसरी नसीहत करने लगी, गुजरे हुए किसी भी बात का गम कभी ना करना। मेरे इस छोटे से वजूद में 10 दिरहम का एक ऐसा कीमती मोती है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं, और इस महंगे मोती को पाकर तुम और तुम्हारे घर वाले खूब ऐशो इशरत से जिंदगी गुजार सकते थे। मगर तुम्हारी किस्मत पर अफसोस, तुमने मुझे आजाद करके एक बेमिसाल मोती अपने हाथों से खो दिया। इतना सुनना ही था कि शिकारी जोर जोर से इस तरह रोने और चिल्लाने लगा जैसे उसका कोई अपना करीबी रिश्तेदार मर गया हो। रोते रोते बार बार ठंडी आहें भरता और कहता, हाय हाय, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मुझ बेवकूफ ने क्या कर दिया, हाथ आए खजाने को खो दिया। ऐसी नादिर चिड़िया क्यों आजाद कर दी। शिकारी जब खूब रो धो चुका तब चिड़िया ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, अरे बेवकूफ और अहमद शिकारी, मैंने पहले ही तुम्हें नसीहतें कर दी थी कि गुजरे हुई बात का गम न करना। जब ये बात हो ही गई थी तो अफसोस से हाथ मलना किस काम का। और हाँ ए नादान शिकारी, तुमने मेरी पहली नसीहत भी तो गौर से नहीं सुनी। मैंने कहा था ना कि किसी भी नामुमकिन बात का हरगिज़ यकीन नहीं करना चाहिए, वो कैसे ही क्यों ना हो। अब
जरा अकल से काम लो और देखो तो सही, मुझ नन्ही सी जान का पूरा वजूद 3 धर्म से ज्यादा का नहीं है, तो फिर 10 धर्म का मोती मेरे छोटे से वजूद में कैसे हो सकता है? बेशक कहती तुम ठीक ही हो ए नन्ही मुन्नी चिड़िया, वो तीसरी नसीहत तो बताती जाओ। अरे भाई, तुमने मेरी पहली नसीहतों पर कौन सा अमल कर लिया जो मुझसे तीसरी नसीहत भी सुनना चाहते हो? वो कीमती नसीहत तुम जैसे नादान इंसान के लिए नहीं है। ये कहते ही फुर से चिड़िया उड़ी और शिकारी उसको देखता ही रह गया। देखा बच्चों आपने, वो नन्ही सी चिड़िया कैसे अपनी अकलमंदी से इस शिकारी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। किसी बेवकूफ को नसीहत करना ऐसा है जैसे बंजर जमीन में बीज डालना। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।